हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी शॉपसी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भी शॉपसी ऐप में इस तरह का एरर आता है तो कैसे आप इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप से बाहर चले जाना है, उसके बाद आपको देख लेना है आपका शॉपसी ऐप कहाँ पर इंस्टॉल है। आपको शॉपसी ऐप पर 5 सेकेंड तक क्लिक करके रखना है, ऐप इन्फो पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, आपको स्टोरेज पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके कर देना है, बैक चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के ठीक नीचे परमिशन का ऑप्शन आ जाता है तो परमिशन पर करना है क्लिक, सभी को परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद बैक जाना है, ऐप को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।